नमस्कार, ई रेडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के साकेत के सनातन धर्म मंदिर में, जहां सारे लोगों ने मिलकर श्रीमद् भागवत का यहां पर एक बहुत सुंदर आयोजन किया है। बहुत सारे श्रोतागण यहां पर मौजूद हैं, जो यहां पे चित्रलेखा जी आई हुई हैं, जो भागवत लोगों को सुना रही हैं। अपने आप में जानी मानी श्रीमद् भागवत कथावाचक हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उन्होंने अपने श्रोताओं को श्रीमद् भागवत के बारे में बताया। बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि कैसे आप भागवत गीता को सुनकर अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने आज उन्हें यहाँ पे सुना। हमने आइए आज हम आपकी चित्रलेखा जी से बात कराते हैं, उनसे जानते हैं कि गीता जो है, जो हमारा धर्म ग्रंथ है, उससे कैसे हम अपने निजी जीवन में उतार कर हमारे जीवन के सुख दुख हैं उसके कैसे हम अपने आप को उसका तालमेल बैठा सकते हैं, कैसे हम गीता से अपने आप को जोड़ सकते हैं। आज के ज़माने में, समय में, मानवता को अगर कोई जीवित रख सकता है तो भगवान का सत्संग है, उनकी कथाएं हैं। तो श्रीमद् भागवत एक अहम भूमिका निभाती है लोगों के हृदय में मनुष्यता को बनाए रखने के लिए। तो श्रीमद् भागवत मुझे लगता है समाज का एक फाउंडेशन है, जो आपको संस्कृति, भजन, भक्ति से जोड़ता है। और अभी एक दुखद समाचार शंकराचार्य जी की मृत्यु का मिला था, रूपानंद सरस्वती जी का, जो सनातन धर्म के एक धर्मगुरु कहे जाते हैं। उनके क्या कहना चाहते हैं आप? सब जगह एक शोक का माहौल है। ये देखिए, अवश्यमेव ये बहुत बड़ी सनातन धर्म के लिए क्षति है, एक महापुरुष का जाना। लेकिन हमारा धर्म कहता है महापुरुष कभी जाते नहीं। ये पांच भौतिक शरीर है, मानव होने के नाते कष्ट अवश्य होता है, लेकिन महापुरुष यही चाहते हैं कि उन्होंने जो सिखाया, जो उन्होंने शिक्षा दी, उसको समाज आगे बढ़ाए। तो हम जगतगुरु श्री शंकराचार्य महाराज ने इतना जगत को दिया है अपनी सोच से, अपने जीवन से, अपने वाणी से, अगर उसको आप निरंतर चलाते रहेंगे अपने जीवन में, तो मुझे लगता है जहाँ भी वो हैं, प्रभु के चरणों में ही, वहाँ से हम सबको आशीर्वाद देंगे। कहते हैं श्रीमद् भागवत का इंसान के, मनुष्य के जो जीवन में सुख दुख में हर जगह बहुत महत्व है श्रीमद् भागवत का। तो एक आम इंसान अपने आप को भगवत गीता से किस तरीके से जोड़ सकता है? पढ़िए, अपने घर पर श्रीमद् भागवत का पाठ करिए। वैसे तो आजकल समय ऐसा है कि भागवत आपको हर जगह आसानी से श्रवण को मिल सकती है, अलग अलग कथाएं होती हैं, चैनल्स अच्छे माध्यम में, लेकिन उससे ज़्यादा आपको अपने घर में श्रीमद् भागवत रख के उसका पाठ करना चाहिए। क्योंकि जैसे प्राण के बगैर शरीर बेकार है, वैसे आपका घर भी श्रीमद् भागवत गीता, रामचरितमानस, इन ग्रंथों के बगैर व्यर्थ है। तो अवश्य में हर भारतीय को ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं, जैसे गीता हो गई, भागवत जी हो गई, रामचरितमानस हो गई, इसको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यही आपको जीवन जीने का तरीका समझाता है। बहुत सुंदर वाक्य आपने कहे कि जीवन जीने का जो तरीका है वो हमें श्रीमद् भागवत सिखाती है। और आपके जो ई रेडियो के दर्शक आपको देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश बस यही है, अपना कर्म करते रहिए, ठाकुर जी का भजन करते रहिए, क्योंकि हम हमेशा सुनते हैं, इवन जो भगवान को नहीं मानता वो भी बोलते हैं लाइफ एक बार मिली है, इन्जॉय करिए। लेकिन इन्जॉय क्या होता है उसका मतलब समझिए। इन्जॉयमेंट केवल शराब पीना, पार्टी करना, यहाँ वहाँ जाना नहीं होता। इन्जॉयमेंट का मतलब है कि आप अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करिए। जीवन का उद्देश्य यही है कि सब पे दया रखिए, प्राणी मात्र पर जीवों की दया करिए, गोमाता की सेवा करिए, और अपना भजन भक्ति साथ साथ में, भले आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई के साथ करिए, आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस के साथ करिए, आप जॉब करते हैं तो जॉब के साथ करिए, क्योंकि जीवन एक बार मिला है, तो अच्छे कर्म करिए और अपने जीवन को सार्थक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ई रेडियो से बातचीत करने के लिए। चित्रलेखा जी हमारे साथ मौजूद थी, जो अपने आप में एक अद्भुत भागवत गीता को प्रस्तुत करती हैं, जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज उन्होंने ई रेडियो के दर्शकों को बहुत अच्छा संदेश दिया कि भागवत गीता को आप अपने घर में पढ़िए और श्रवण करिए, और उससे अपने जीवन में आप कैसे उसका लाभ उठा सकते हैं, वो भी आज उन्होंने यहाँ पर बताया।